गया है कि हमारे साथ नहीं बैठना है। कांग्रेस ने मना कर दिया मेरे साथ बैठने के लिए एबीपी पर। स्क्रीन शेयर नहीं करते। नहीं, क्यों स्क्रीन शेयर नहीं करते? मैंने क्या किया है कि स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं अपनी बात रखूंगा, और वो थोड़ी डिक्टेट करेंगे एबीपी जैसे। नहीं दिया है कि हमारे साथ नहीं बैठना है। कांग्रेस ने मना कर दिया मेरे साथ बैठने के लिए एबीपी पर। स्क्रीन शेयर नहीं करते। नहीं, क्यों स्क्रीन शेयर नहीं करते? मैंने क्या किया है कि स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते? मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं अपनी बात रखूंगा, और वो थोड़ी डिक्टेट करेंगे एबीपी जैसे न्यूज चैनल को। आप इतना बड़ा चैनल है, एबीपी इंडिपेंडेंट है। गेस्ट को वापस ले रहे हैं वो, बेसिकली उन्होंने कहा है हम ले लेंगे वापस, तो आप आइए। कोई मना ही नहीं है। नहीं नहीं, वो तो, पर ये ब्लैकमेलिंग हुआ ना। कांग्रेस पार्टी अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली पार्टी कहती है, तो आपके आपके इतने चैनल को ब्लैकमेल करेगी कि शहजाद पूनावाला से आप आज डिबेट में ला रहे हो तो हम बॉयकॉट कर लेंगे। तो मैं तो पूरी तैयारी करके बैठा था, मैंने बाकी का टाइम भी अपना चेंज किया 5 बजे के लिए, आपको मैंने अपना स्काइप आईडी दे दिया, सारी चीजें दे दी। एबीपी तो ऐसा चैनल है जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, अगर आप कांग्रेस के दबाव में ऐसे आएंगे तो कैसे होगा? और पहले भी उन्होंने किया है। अरे क्या, आज पहली बार इन लोगों को फोन आया इस तरह की, इस तरह के तुम साफ साफ हो गए। हाँ नहीं, किसने बोला? ये रणदीप सुरजेवाला वगैरह नहीं क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। ऊपर सब कहीं से कहा मुझे ऑफिस गया है कि भाई शहजाद के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, आप देख लीजिए और उनको बता दीजिए, बात कर लीजिए उनसे, क्योंकि कांग्रेस भी जरूरी है, कांग्रेस को भी रखना है वो सारे टूल किट वाले मामले पे। अच्छा, तो कौन कर लेते? नहीं, एबीपी न्यूज पर कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी किया गया टूलकिट था, उसको लेकर एक डिबेट होना था। इसी के क्रम में 2 बजे शहजाद पूनावाला को बताता है कि 5 बजे होने वाले डिबेट को ज्वाइन करेगा, लेकिन 4:15 पर उन्हें एबीपी मीडिया कोऑर्डिनेटर से फोन आता है कि कांग्रेस पार्टी शहजाद के साथ स्क्रीन शेयर करने से मना कर देते हैं, और उन्होंने ये शर्त रखा है कि या फिर चैनल को शहजाद को डिबेट से ड्रॉप आउट करें या फिर उन्हें डिबेट का बॉयकॉट किया जाएगा। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर दुहाई देते रहते हैं, लेकिन एक मुस्लिम शहजाद पूनावाला किस तरह से इन लोगों को बैंड बजा कर रख देता है, और ये शहजाद पूनावाला कौन है, कैसे कांग्रेस के बैंड बजाता है, आप लोग इसका एक छोटा सा डिबेट देखकर समझ सकते हो कि कैसे कांग्रेस के मूल्यों को और कांग्रेसियों को कैसे धोते हैं। आप इस डिबेट को देखिए, बहुत मजा आया। तो ये जय श्री राम बोलता है, तो मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते उनको बताना चाहता हूँ कि ये जय श्री राम, ये तो सिर्फ प्रेम का संदेश है इसमें, और मैं डरा हुआ भी नहीं हूँ। और सिर्फ रावण को जय श्री राम से डर लगता था, अब राजनीतिक रूप से कौन रावण है उसको डर लगता है, पर मैं पूरे शो में जब तक मैडम रहेंगी मैं तब तक जय श्री राम का इस तरीके से प्रचार करता रहूंगा। भारतीय मुसलमान, ये मेरी आजादी है ना, अभिव्यक्ति की आजादी है, किसी को आपत्ति तो नहीं होगी। खान साहब, मैं अपनी बात भी रख दूं अगर हो सके तो, मैडम के लेटर पे। हाँ। मैडम ने लेटर तो एक आंख से देख पाते भाजपा शासित प्रदेशों में हो गया, पर दूसरी आंख से नहीं देख पाते कि कांग्रेस प्रदेशों में नॉन मुस्लिम्स की भी लिंचिंग हो रही है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिलेक्टिविज्म का एक और मैं आपको पैमाना बताना चाहता हूं। पहले सरकार मोदी 1.0 थी तो हिंदू आतंकवाद का फैलाया गया, अब हिंदू लिंचर है। इनको मॉब लिंचिंग से कोई लेना देना नहीं, इनकी लिंचिंग की परिभाषा यह है जिसमें विक्टिम मुस्लिम है या दलित है, हिंदू इज द अग्रेसर, और लिंचिंग का पूरा मकसद यह है कि मोदी और देश की लिंचिंग मीडिया में अंतरराष्ट्रीय फोरम पे की जाए। Okay. वरना मुझे आप बताइए कि जो 23 घटनाएं एक महीने में हुई जिसमें हिंदू लिंच हुए हैं, उस पर एक भी बार ये तमाम शख्सियतें नहीं लेटर लिखते, नहीं बोलते कि अरे देश खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में, सेक्युलरिज्म खतरे। अब सभी लोगों से निवेदन है कि देशभक्त राष्ट्रभक्त शहजाद पूनावाला का समर्थन जरूर करना, उसके साथ खड़े रहना, क्योंकि वो हमेशा ऐसे कांग्रेसियों और देशद्रोहियों को जमकर पेलते हैं। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो को शेयर भी करना।